सो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो हम आज बात करने वाले हैं गार्गी पुरस्कार के फॉर्म को लेके। दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हैं तो आप गार्गी के फॉर्म के जो अप्लाई हो रहा है उससे वंचित रह सकते हैं, या फिर आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर आप ई मित्र पर जाओगे तो आप मतलब ठगी के शिकार भी हो सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बात कर दूं क्लियर मैं कि अभी गार्गी पुरस्कार को फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित है कि सर, मतलब मेरे पास बार बार कमेंट भी आते हैं कि गार्गी पुरस्कार का जो फॉर्म अप्लाई होता है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों पूछ रहे हैं ऐसा कैंडिडेट? कि कई सारे ई मित्र धारक ऐसे हैं जो मतलब बार बार बोल रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं कि गार्गी का फॉर्म जो स्टार्ट हो गया है अप्लाई होने का। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गार्गी का जो फॉर्म है, मतलब जो छात्राएं हैं उनका फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जो 23-24 के अंदर फॉर्म अप्लाई किया था वो या तो 10वीं पास करके किया है या फिर 12वीं पास करके किया है। तो आपको स्टेटस भी दिख रहा होगा साइड में। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको 23-24 वाला। के शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अद्यतन यानी कि एडिटिंग करने के संबंध में। अब इसमें क्या करते हैं कि गार्गी पुरस्कार के फॉर्म को, ये नोटिफिकेशन है, इसको बस इतना देखते हैं लोग, वो डायरेक्ट स्टेटस लगा देते हैं। स्टेटस में नीचे लगाते हैं गार्गी फॉर्म मतलब ऑनलाइन होना स्टार्ट है। अभी ये नहीं देखते हैं उसके अंदर कि गार्गी पुरस्कार के अंदर फॉर्म स्टार्ट हुआ है या फिर पहले से जो फॉर्म भरे हुए हैं उसके अंदर एडिटिंग मतलब स्टार्ट हुई है। अब एडिटिंग क्या स्टार्ट हुई है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिनके मतलब गार्गी पुरस्कार के फॉर्म भरते टाइम या तो बैंक के अंदर डिटेल भरने में कोई मिस्टेक हो गई थी तो वो बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बैंक आपने मतलब लगा भी दिया है, ठीक भी लगा दिया है फॉर्म, मतलब फॉर्म के अंदर बैंक डिटेल सही लगाई है, लेकिन बाय चांस वो बैंक बंद हो गया है, तो बैंक को मतलब EKYC के जरिए बैंक में जाके उसकी DBT होती है, जो भी होती है, बैंक से उसको चालू करवा सकते हैं अकाउंट को। और चालू होने के बाद आपकी जो गार्गी फॉर्म है उसके अंदर वापिस से अपडेटिंग कर सकते हैं। अपडेटिंग होने के बाद जो आपकी पेमेंट नहीं डली है, रुकी है, अभी रुकी पड़ी हुई है आपकी पेमेंट, तो वो पेमेंट डल जाएगी। ओके, तो इसलिए ये फॉर्म में मतलब अपडेटिंग दिया है। कई सारी मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, मतलब YouTube चैनल से तो जुड़ी जाना है आपको, लेकिन अगर WhatsApp चैनल से जुड़ना है आपको, ई मित्र वाली WhatsApp से, यानी कि इस पे हर प्रकार की अपडेटिंग आपको मिलती है, इससे जुड़ जाना। आपको जब भी गार्गी का फॉर्म स्टार्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन भी, और आपको सूचना भी दे दी जाएगी। ओके, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। आप भी केवल जो पिछले साल के 23-24 की जो फॉर्म थे उसके अंदर अपडेटिंग हो रही है और कुछ भी नहीं, नए फॉर्म अभी अप्लाई नहीं होने लगे हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जब तक ले, जय हिंद, जय भारत।